हेलो गाइस, मैं सुदीप ताजराय, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर वन देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का, दैट इज़ सिनेरियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सो इसमें आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड द थर्ड वन इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स, इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो सही से चल ही रहा था, तो उसकी नीड क्यों पड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की? सो देखते हैं हम, कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड बाउंड टू फिनिश वन डे। सो जैसे कि आपको पता है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब बेसिकली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे हम, तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो रिन्यू नहीं हो सकते बार बार, और एक दिन, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो फिनिश हो जाएंगे। और कन्वेंशनल फिर सेकेंड पॉइंट, कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। रिन्यूएबल एनर्जी हमें चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ लार्ज हाइड्रो रिसोर्सेज। जितना हाइड्रो रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं तो वो किसको इफेक्ट कर रहे हैं? तो इनडायरेक्टली वो वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, कॉजेज डिफॉरेस्टेशन और काफ़ी ज़्यादा दूसरे सोशल इश्यूज़ है वो सामने आते हैं जैसे ही हाइड्रो रिसोर्सेज बढ़ते हैं उससे। फिर है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा अभी रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। जो चीज़ें हैं उनकी नीड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो हाई डिमांड को अटेंड करने के लिए या अचीव करने के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ द अबाउट नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देन नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो एडवांटेजेज़ क्या क्या है? एडवांटेजेस मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने के। अवेलेबल ईजीली, ईजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते उसके लिए। फिर पॉल्यूशन काफ़ी कम प्रोड्यूस करते हैं या तो ना के बराबर पॉल्यूशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। देन इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड सप्लाई सिक्योरिटी। देन इनएग्जॉस्टिबल, एंड द लास्ट इज दे कैन रिड्यूस द पेट्रोलियम इम्पोर्ट बिल। पेट्रोलियम ऑयल इम्पोर्ट बिल जो है वो कम कर सकते हैं इन द कंट्रीज लाइक इंडिया। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वापस एक बार देख लेते हैं, अवेलेबल इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोड्यूस नो और वेरी लिटल पॉल्यूशन, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड सप्लाई सिक्योरिटी, इनएग्जिस्टिबल, एंड द लास्ट इज दे कैन रिड्यूस द पेट्रोलियम ऑयल इम्पोर्ट बिल ऑन द कंट्रीज लाइक इंडिया। फिर डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस अगर कोई भी रहते हैं किसी भी चीज़ के तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जीज के, बट डिसएडवांटेजेस थोड़े बहुत भी है तो वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस इज एनर्जी अवेलेबल इन डाइल्यूट फॉर्म। एनर्जी जो अवेलेबल रहता है वो डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। फिर हारनेसिंग, एनर्जी को हारनेस करने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट उसका थोड़ा हाई रहता है, उसके वजह से हारनेसिंग जो रहता है एनर्जी को करने के लिए, हारनेसिंग एनर्जी के लिए ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। देन डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, सो अवेलेबिलिटी इज़ अनसर्टेन। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए कब उसकी अवेलेबिलिटी हो उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। सो आज के वीडियो में हमने कवर किया कि नीड क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सोलर एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें GTU में या तो फिर अपकमिंग जो मिड सेम एग्ज़ाम्स है उसमें स्कोर करने में ईजी रहे। थैंक यू सो मच गाइस।